आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और आज हम चल रहे हैं विकट गज, इसे पेपफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। माथेरान और करजत के बीच के माउंटेन रेंजेस में ये सिचुएटेड है। पेपफोर्ड या विकट गज, आप इसे जो भी कहें, यहाँ पे पहुँचने के लिए दो रास्ते अवेलेबल है, एक बेस विलेज से होते हुए जंगल का रास्ता और दूसरा बहुत ही सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट, नेरल स्टेशन के बाहर से आपको 100 रुपीज सीट पे शेयर टैक्सी मिलेंगे जो आपको 134 जंक्शन में छोड़ देंगे और वहाँ से आपको ये टॉय ट्रेन ट्रैक पकड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। टॉय ट्रेन का रास्ता भी बहुत सुंदर है, मैं आपको 100% गारंटी के साथ देता हूँ कि हर 10 मिनट पे ये रास्ता आपको रोक लेगा और कम से कम 10 पिक्चर्स और फोटो निकालने पे तो मजबूर कर ही देगा। ये जो कैमरा जूम हो रहा है ना, वही है पेपफोर्ड। जी हाँ, पहले तो आपको पहाड़ चढ़ना होता है, फिर पहाड़ उतरना है, फिर आपको फिर से वो दूसरा पहाड़ चढ़ के पेपफोर्ड पहुंचना होता है। लेकिन पेपफोर्ड पहुंचने के पहले एक बहुत ही सुंदर सरप्राइज आपके लिए रुका होता है जो कि आपको 45 मिनट्स वॉकिंग करने के बाद मिलता है। कड़ावरचा राजा गणपति, जी हाँ, ये क्लिफ पे खड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर स्टैचू है लॉर्ड गणपति का। और जी हाँ, आप ये लॉर्ड गणपति को विजिट कर सकते हो, वहाँ पे उनके फीट पे एक छोटा सा टेंपल है जो कि आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो, 5 मिनट बैठ सकते हो, बहुत ही सुंदर है। और ये इट्स यूज्ड एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। विंटर होने के कारण और बारिश ना होने के कारण फिसलाव कम है, और फिसलाव कम होने के कारण यह रास्ता काफ़ी सेफ है। आप बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट तरीके से गणपति के चरणों में पहुंच जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे जर्नी समाप्त कर सकते हो, या फिर मेरी तरह और की तरह आप यहाँ से पेपफोर्ड की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, यही से पेपफोर्ड की जर्नी स्टार्ट होती है, जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको चलना है। और हाँ, ये रास्ता बहुत ही छोटा है, कंजस्टेड है और बड़े बड़े घास से दबा हुआ रास्ता है, तो आपको ज़रा संभाल के चलना है। लेकिन फिसलन नहीं होने के कारण, मानसून नहीं होने के कारण ये रास्ता भी काफ़ी सेफ है। कुछ 2 घंटे चलने के बाद आप पेपफोर्ड के बेस पे पहुंच ही जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये जॉइनिंग पाथ है 2 माउंटेन्स के बीच में। जी हाँ, आपको एक माउंटेन उतरना पड़ता है, फिर ये दूसरे माउंटेन को जॉइन होता हुआ रूट लेते हुए आगे चलना पड़ता है। पूरे ट्रैक में अगर आप हमें पूछो तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही था। ये नहीं कि सीढ़ी चढ़ना डिफिकल्ट है, बल्कि ये सीढ़ी जिस कंडीशन में है वहाँ पे, दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट, दैट मेक्स इट मोर डेंजरस। पर सब सेफली यहाँ से चढ़ते हैं और सेफली यहाँ से उतरते हैं।
वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने आपको जूम करके पेप फूड दिखाया था, जी हाँ, हम बिल्कुल उसी एग्जैक्ट लोकेशंस पे खड़े हैं। हाँ, हमने पूरा का पूरा पहाड़ क्रॉस कर दिया और पूरा का पूरा पहाड़ चढ़ के यहाँ पे पहुँच गए। आपको यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स दिखेंगे और भीड़ स्टार्ट होती है 10:30 और 10 बजे के बाद। अब यहाँ से मैं कैमरा जूम करने लगूंगा आपको कड़ावर्सा राजा या फिर गणपति दिखाने के लिए। जी हाँ, जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा होगा हल्का सा, हाँ वो है कड़ावर्सा गणपति। जी हाँ, हम वहां से लेके यहाँ तक आ गए चल के, जो कि 2 घंटे लगते हैं चलने में। कुछ और आधे घंटे क्लाइंब करने के बाद आप पहुंचते हो टॉप मोस्ट लोकेशन ऑफ द माउंटेन या फिर फोर्ट पे, जो कि एक है महादेव का टेंपल। जी हाँ, यह है टॉप मोस्ट पॉइंट और यहाँ से ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ से आपको काफ़ी सुंदर नज़ारा मिलता है, जो कि आपको डैम का मिल जाता है, कलावंतिन दुर्ग का दिख जाता है यहाँ से, यहीं से आपको ईर्षालगढ़ भी दिखता है, यहीं से आपको करनाला भी दिख जाएगा। पेपफोर्ड ट्रैक बहुत ही छोटा ट्रैक है, यहाँ पे ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बल्कि सिंपलेस्ट ट्रैक कहा जाता है। यहाँ पे आप मेरा वीडियो स्टॉप कर सकते हैं या फिर यहाँ से आगे आप मेरे कुछ पर्सनल फोटोज से वो भी देख सकते हो। तब तक के लिए बाय, हम फिर मिलेंगे आपके लिए एक नए सफ़र पे, एक नए ट्रैक पे। तब तक के लिए बाय।